जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, तो बात करेंगे जो SSB का आपका फिजिकल हो चुका है 2020 की भर्ती 1522, और हमारे भाई बहनों के जो कमेंट आए, तो अभी एक साथ तो सारी वीडियो देना पॉसिबल नहीं है। आज हम वाटर कैरियर का क्या काम है और इसकी क्या एग्ज़ाम डेट है, इस पर आज बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जिसने वाटर कैरियर का फॉर्म भरा है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और इसको पूरा रीड करें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। आपको पूरी जानकारी देंगे क्या क्या आपको करना है ट्रेड टेस्ट में और आपकी फिर ड्यूटी पर क्या क्या करना है। ठीक है, तो SSB की दोस्तों ट्रेड्समैन की भर्ती 2020 की है। एग्ज़ाम अपडेट भी देंगे, एग्ज़ाम इसका कब तक होगा इस पर भी बात करेंगे। दोस्तों टोटल पोस्ट की बात करें, 1522 टोटल पोस्ट है दोस्तों। इसके बाद में किस ट्रेड का क्या काम, आप लोगों के क्वेश्चन दोस्तों, जो आप लोगों ने क्वेश्चन किए थे कि सर हमको इस ट्रेड पे बताइए और हमको इस ट्रेड पे, तो इसमें हम वाटर कैरियर का लेके आए हैं। तो आप वाटर कैरियर और कुक का दोनों का इसी वीडियो में हम बताएंगे। पहले वाटर कैरियर का आप देख लें। तो वाटर कैरियर का दोस्तों टेबल सबसे पहले क्या काम है, मतलब ड्यूटी के दौरान, ये ट्रेड टेस्ट में नहीं पूछा जाएगा, पर ड्यूटी आपकी क्या रहेगी, टेबल सजाना। दोस्तों जो अफसर मैस होती हैं या एसओज मैस होती है, वहाँ पर खाना खिलाने के लिए जहाँ पर क्या दरोगा, मतलब सब इंस्पेक्टर ASI और SI खाना खाते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों टेबल को सजाना। टेबल में कहाँ गिलास लगाने हैं, कहाँ पर चम्मच लगानी है, कहाँ पर प्लेट लगानी है, पूरा टेबल की बिल्कुल टेबल सजाना। ठीक है, उसके बाद दोस्तों काम है आटा गूंथना। ये वाटर कैरियर का काम है आटा गूंथना। कुछ लोग सोचते हैं कि वाटर कैरियर का काम है पानी का देख रेख करना, ऐसा कुछ नहीं है। वाटर कैरियर का यही काम है और ये सारे काम करने पड़ते हैं, आटा गूंथना, सलाद काटना। अगर आप जो है अफसर मेस में हैं तो आप सलाद काटेंगे, आटा गूंथेंगे और उसके बाद में आप टेबल सजाएंगे और खाना जो है खिलाना भी है, और सब्जी काटेंगे और इसके बाद में दोस्तों खाना खिलाना, मतलब आपको जैसे इधर कुक खाना बनाएगा तो आपको ले जाके पूरा खिलाना है, उसके बाद में जो है वितरण करना है, खाने का वितरण करना है। खिलाने का मतलब यही नहीं है कि बच्चा की तरह देना है, नहीं, उनको मतलब प्लेट में लेके जाएंगे आप, सर्व करना है सबको। ठीक है, खाने का वितरण करना। और ऑफिसर मेस में आपको जो है ये ऑफिसर मेस से लेकर और एसओज मेस तक आपको ये काम करना है। अगर आप जवान मेस में हैं तो वहाँ पर आपका ये सलाद काटना, सब्जी काटना और आटा गूँथना, रोटी बेलना, ये सारा ही काम रहेगा। तो ये आपके ट्रेड के काम हैं बाद में। पहले तो होना है भर्ती, तो भर्ती होने के लिए क्या क्या पूछा जाएगा, क्योंकि क्या क्या पूछा जाएगा ये भी कंपलसरी है। तो ट्रेड टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा दोस्तों, तो दोस्तों आपके ट्रेड टेस्ट में तो आपसे रोटी बनवाई जाएगी, तो आपको गोल रोटी बनानी आनी चाहिए। उसके बाद में आपसे सब्जी कटवाई जाएगी, ठीक है, जो अभी तक का होता था उसके आधार पर इस बार भी यही होगा, क्योंकि इनको ये काम तो कंपलसरी है ही है, ट्रेड में मस्ट होना चाहिए। तो सब्जी कटवाई जाएगी, सलाद कटवाई जाएगी, ठीक है, और आपसे जो है पानी से भरा हुआ एक ट्रे में पूरा गिलास लगा दिए जाएंगे, उनको लेके चलवाया जाएगा कि आप पानी गिरा तो नहीं रहे हैं, क्योंकि आपका पानी पिलाने का भी काम है। वाटर कैरियर का मतलब पानी पिलाना भी है, खाना खिलाना भी है, आटा गूंथना, सब्जी काटनी, सलाद काटनी, टेबल सजानी, ये सारे काम आपको करने हैं। पर ये नहीं कि एक बार में सारे ही करने हैं, वो है कंडीशन के ऊपर, आप किस कंडीशन में ड्यूटी कर रहे हैं, कहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, उसके आधार पर। ठीक है, तो ये तो रही वाटर कैरियर की दोस्तों। इसके बाद भी अगर किसी के मन में कोई क्वेरी अगर जरा सी सी भी हो तो बिल्कुल पूछिएगा। अब बात करते हैं इसके बाद में दोस्तों कुक के बारे में। इसके बाद में दोस्तों आपको हम बताएंगे कि कुक का क्या है, काम क्या है और ट्रेड टेस्ट में क्या पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों कुक का और कुक और वाटर कैरियर का हम एक चीज़ और बता दें, इनको किचन सर्विस बोला जाता है। आप अभी यहाँ पर कुक के हिसाब से फार्म भर रहे हैं, पर वहाँ पर जो है आपका जो नाम रहेगा वो किचन सर्विस रहेगा। ठीक, कुक का भी वाटर कैरियर का भी। ठीक है, इसके बाद में सब्ज़ी बनाना, तो इनका जो है लगने के बाद में दोस्तों ड्यूटी पर आपको एक तो सब्ज़ी बनानी पड़ेगी, सीजन की सब्ज़ी, जैसे कि आलू मटर हो गई, या मतलब जो भी सीजन की रहेगी, आलू बैंगन रहा, आलू गोभी रही, जो भी सीजन की सब्ज़ी रहेगी आपको सब्ज़ी बनानी है, चावल बनाना है, दाल बनाना है पर डे कंपलसरी, मीट बनाना है,
बकरे का, मुर्गे का, मछली, अंडा। अब कुछ लोग कभी मीट खाते नहीं, कुछ नहीं, अब बहुत कहें कि हम नहीं बनाएंगे, तो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि आपका ये ट्रेड है और आपको ने इसी चीज़ को चुना है कि मैं खाना बनाने में जा रहा हूँ, तो आपको बनाना ही पड़ेगा कंपलसरी। पनीर, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, बटर पनीर, पालक पनीर, मतलब जो भी आप जो है मटर पनीर, जो भी मतलब वहाँ पर अवेलेबल रहेगा उस हिसाब का आपको बनाना। मीट पनीर एकदम कंपलसरी, चावल, दाल, सीजन की सब्ज़ी। इसके बाद में रोटी बनाना, रोटी बनाने का आपका काम है बर्तन धुलाई, सबसे हार्ड काम जो माना जाता है तो यही है कि बर्तन धुलाई। सुबह उठेंगे पहले बर्तन पूरा रहेगा, पूरा धुलाई करेंगे, बड़े बड़े पतीला रहेगा, आपको पूरा धुलाई करना है, उसके बाद में जो है खाने की शुरुआत करनी है, ठीक है। किचन की सफाई ये भी आपका काम है, और पूरा एकदम किचन की सफाई करने का भी आपका काम है, बर्तन धुलाई करना, बाकी वर्किंग मिल जाती है और काम के लिए, जैसे सब्जी काटने के लिए, बाकी काम के लिए मिल जाते हैं, पर ये कुछ काम मस्ट है कि आपको ही करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद ट्रेड टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये तो नौकरी लगने के बाद है, नौकरी से पहले क्या क्या होगा दोस्तों, तो आपसे दोस्तों गोल रोटी चाहिए, एक रोटी गोल रोटी बनानी है एक, ठीक। पराठा बनाना है एक, एक पराठा एक गोल रोटी। पराठा दोस्तों तीन कोनों वाला होगा, इसकी प्रैक्टिस कर लें अच्छे से, जिनने फॉर्म भरा जाना चाहता है इस नौकरी में, तो दोस्तों तीन कोनों वाला पराठा आपको बनाना है। सब्ज़ी बनानी है सीजन की, मीट बनाना है, मीट में आप जो है छूट रहेगी, अंडा भी बना सकते हैं, मछली बना सकते हैं, चिकन बना सकते हैं, मटन बना सकते हैं, और समय भी बताऊंगा मैं कितना समय मिलने वाला है। दाल, दाल बनानी है, चावल बनाना है, ठीक है। देख लिए पांच आइटम आपको बनाने हैं और समय आपके पास में रहने वाला पांच छह आइटम जो भी रहेगा, और समय आपको मिलने वाला है 1.3 मतलब 5 डेढ़ घंटा, मतलब 90 मिनट मिलने वाले हैं आपको, 90 मिनट में टोटल ये आपको कंप्लीट करके देना है। उसके बाद में टेस्ट करने आएंगे, आपकी रोटी देखेंगे, सब्ज़ी में देखेंगे नमक वगैरह ठीक है, मीट में देखेंगे नमक ठीक है, पका ठीक है, बस यही नॉर्मल चेक करते हैं, खाते नहीं थे, मुंह में लेंगे फेंक देंगे, ठीक है। इस प्रकार से तो ये हो गया। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, वहीं पर ग्राउंड में ही आपका इंटरव्यू होगा। इसके बाद में आपसे मसालों के नाम पूछे जाएंगे, दालों के नाम पूछे जाएंगे, वो जो है पूरा ऐसे फड़सी लगी रहेगी, तो उसके लिए दोस्तों आपसे मैं सजेशन दूंगा, आप पंसारी की दुकान पर चले जाना। पंसारी आप समझ गए होंगे जहाँ पर पूरे मसाले मिलते हैं, शहरों में सब जगह अवेलेबल है, वहाँ दो चार दिन जाके आप जो है उनसे कहना कि हमारा ऐसे ऐसे ट्रेड टेस्ट है और हमको जो है आप सिर्फ मसाले दिखा दें, आपकी निगाह के सामने 10 मिनट जाएँ और देख के चले आएँ पर डे। अगर आप 10 दिन ये काम कर लेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, ये क्या है, कलौंजी है, ये क्या है, दालचीनी है, ये क्या है, तेजपत्ता, ये क्या है, काली मिर्च है, मतलब वहाँ पर किसको पूछ ले कोई नहीं पता, वो डंडी रखेगा इसे पूछता जाकर वहीं नंबर दे देगा तुरंत, ठीक है। इसके बाद में तो आपको दोस्तों ये होने वाला है। इसके बाद सबसे बड़ा हमारा जो कन्फ्यूजन है और होना भी ज़रूरी है कि एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि एग्ज़ाम होगा मेरिट लगेगी तभी तो हम लोग ट्रेड टेस्ट में जाएंगे, तो सब चीज़ का पहले जो है एग्ज़ाम, तो आपका जून के तो लास्ट में और जुलाई में, यहाँ पर हमको जो सूचना मिली है तो जून के लास्ट में जुलाई में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अब दोस्तों पहले होगा ड्राइवर का दोस्तों, क्योंकि ड्राइवर का फिजिकल भी पहले हुआ था, तो आप लोगों का एग्ज़ाम जो है ऐसा नहीं है कि सबका एक साथ करा लेंगे, ये लोग ट्रेड वाइज ही एग्ज़ाम कराते हैं अभी तक, तो ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद यही है कि पहले ड्राइवर का होगा, ठीक है। तो आप लोग अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में, अपने भाई बहनों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, जो इस ट्रेड से रिलेटेड भरे हैं और जो नहीं भी भरे हैं तो उनको जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपका अपना परिवार है और हम SSB से आए हैं तो वहाँ की छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जानकारी आपको हम देंगे। अभी जितने डाउट आपके बचे हैं उन पर भी मैं कंटिन्यू वीडियो आपको देता रहूंगा। मैं घर छुट्टी चला गया था, वहां से आया हूं, इसलिए आज आने के बाद मैं पहले आपको वीडियो बनाई कि ताकि मेरे भाई बहनों को डाउट निकल जाए। अपनी तैयारी भैया बढ़िया से करना, 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं, मैथ होगा, रीजनिंग होगा, हिंदी होगा और आपका जो है GK और GS, ये चारों पोर्शन होने वाले 25 25 25 25, 100 क्वेश्चन और 100 नंबर के, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है, तो बढ़िया से एकदम करके आएँ और अच्छे से अपना सिलेक्शन लें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।